गुड इवनिंग, मैं डेविड सालिक और मेरे साथ जे सालिक साहब हैं और मेरे वालिद भी हैं, तो साथ ही इधर हैं मेरे पास। तो रोज तकरीबन डिस्कशन और इसी पे काम कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान में जो इस वक्त स्पेशली सब लोग फंसे हैं, फंसे पूरी कौम इस वक्त है, लेकिन जो स्पेशली इस वक्त मिनोरिटीज़ के लोग, क्रिश्चियंस लोग, उनको कहीं रसाई हासिल होना बड़ा मुश्किल हो रही है। उसमें दो तीन चीज़ें हैं जिस पे काम कर रहे हैं, और सालिक साहब ने ज़िंदगी में हमेशा जो 45 साल की जो अपनी खिदमत दी है, उन्होंने काम खिदमत कैसे किए, राब्तों के ज़रिए। ना कभी उनकी कोई एनजीओ थी, ना कभी उन्होंने, हमेशा वो कहते हैं, ना कभी उन्होंने पैसा कमाया, ना कभी उन्होंने बैंक बैलेंस बनाया, ना कभी उन्होंने कोई गवर्नमेंट से लोन लिया, उन्होंने कभी ऐसा कोई काम नहीं किया, लेकिन लोगों की जो खिदमत की है वो राब्तों से की है इनके, क्योंकि ताल्लुकात, राब्ते, प्यार मोहब्बत, ये जो मुस्लिम क्रिश्चियन सॉलिडारिटी पे काम करते रहे, उसका फ़ायदा ये उनको हुआ कि पूरी ज़िंदगी जो उन्होंने लोगों की खिदमत करी है वो अपने राब्तों से किए। तो आज भी जबकि ये 72 ईयर्स ओल्ड हो गए हैं और इस वक्त मेरे पास हैं अमेरिका में, लेकिन जो खिदमत का जज्बा है वो कम नहीं है। तो इन्होंने तकरीबन पिछले पूरे हफ्ते से राब्तों में हैं लोगों के साथ, उन ऑर्गेनाइजेशन के साथ, स्पेशली मुस्लिम, क्योंकि मेजॉरिटी पाकिस्तान में मुस्लिम है और इदारे भी उनके ज़्यादा हैं, और उन्हीं के पास तकरीबन जो बिजनेस हैं, जो एक उनके पास खुदा ने जो बरकत दी है मालो दौलत की, पाकिस्तान में मेजॉरिटी होने की हैसियत वही ज़्यादा है, तो वही खिदमत कर रहे हैं और वो कर रहे हैं लोगों को। इस वक्त जो थोड़े से मीडिया पे कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं जो कि एक ही या दो ऑर्गेनाइजेशन की वजह से, सब ऑर्गेनाइजेशन को हम नहीं कह सकते ये चीज़ें, इस पर मैं सालिक साहब से बात करता हूँ कि अब तक ये लोगों के साथ कैसे काम करते हुए पिछले 45 साल और अब भी यहाँ पे रह के किस तरीके से हम लोगों की खिदमत कर सकते हैं। जी सालिक साहब, आपका जो इस वक्त आपको नाजरीन देख रहे हैं, और मेरे ख्याल ये हम काफ़ी अरसे के बाद दोनों बाप बेटा साथ आए हैं, क्योंकि दिन रात जो हमें परेशानी होती है वो अपने लोगों की होती है, चाहे हम दूर भी हैं। यहाँ पे मेरे जो मुझसे होता है, मैं हमेशा वो शेयर करता हूँ लोगों से कि कहाँ कहाँ हेल्प हो रही है, तो हम शेयर करते हैं, हम अपनी एनजीओ, अपनी डोनेशन कर, हम खोल के हम बैठ जाए इस वक्त अपनी कि जी हमें डोनेशन दे तो हम खिदमत करेंगे, नहीं, जो ऑलरेडी लोग खिदमत कर रहे हैं हम उन्हीं से फायदा उठाएंगे, उन्हीं से कोशिश करेंगे कि वो ही हमारे लोगों की हेल्प कर सके। जी सालिक साहब, इसमें क्या कहेंगे आप? खुदा का शुक्र करता हूँ, लाख लाख शुक्र करता हूँ कि परवरदिगार ने हमें इन हालात में सेहतमंद रखा, और जो जो इस वक्त मतलब हमारे सुन रहे हैं, खुदा उन्हें भी सेहतमंद रखे और इस बला से, इस आजमाइश में अपना महफूज रखे। इस वक्त मैं जो राब्तों में हूँ, तकरीबन काफ़ी जगह राब्तों में, लेकिन मेरी बहुत सारी जो इस वक्त जो खिदमत कर रहे हैं हमारे, अपना मोहम्मद अब्दुल शकूर साहब से मेरी अल खिदमत के जो प्रेसिडेंट हैं, उनसे मेरी बराह रास्त बात हुई है, और वो उन्होंने कहा कि मैं, यानी हमारे यहाँ कोई तासब नहीं, कोई नफरत नहीं, मुझे यकीनन मुझे पता है कि वो मतलब अल खिदमत वाले जो हैं वो खिदमत कर रहे हैं। वो कह रहे थे कि मैं आपको नंबर जो है वो आपको ऐसा दे दूंगा नंबर के जो लोग यानी रब्ता करना चाहें और किसी किस्म की जो मसाइल हैं उस पर हम पूरी पूरी कोशिश करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि माइनॉरिटी और मेजॉरिटी का यहाँ पर तकसीम इस वक्त में, मेरा ख्याल है कि ये, क्योंकि जो गरीब हैं, गरीब जो एक तबका है, और उसमें शिया हो, सुन्नी हो, वहाबी हो, बरेलवी हो, देवबंद हो, नक्शबंद हो, यानी ये इस वक्त तबकाती मामला है गरीब और अमीर का। गरीब जो हैं वो बेचारे परेशान हैं, यानी जो गरीब जो है वो कोई ज़रूरी नहीं कि जो, यानी स्पेशली कच्ची वादियों के लोग गरीब हैं, उसमें बहुत सारे सफ़ेद पोश लोग हैं वो फंस गए हैं, इसलिए बहरहाल ये एक आजमाइश है। तो यानी उन्होंने रब्ता किया, फिर मैंने डॉक्टर अमजद साहब से रब्ता किया, अकूत वालों से, तो वो अनकरीब उनसे भी मतलब अभी मेरी बात नहीं हो सकी, तो उनसे भी रब्ता करके, और उसके अलावा जो सलानी के जो हैं अपना सुहेल, अपना वानी साहब, मैं उनसे भी रब्ता कर रहा हूँ, उनके छोटे अमले से रब्ता हुआ है। तो किसी छोटे अमले ने ही इस किस्म की हरकत की है जो कि आजकल लोग जो मतलब एक उसे शेयर कर रहे हैं। तो ये एक किसी एक बंदे की गलती की वजह से हम पूरी ना उसकी एसोसिएशन को बुरा कह सकते हैं और ना उनकी खिदमात को बुरा कह सकते हैं, तो एक बंदे की हरकत की वजह से वो पूरी, यानी जो इंस्टीट्यूट जो चल रहे हैं, अदारे, हमारे बहुत सारे अदारे जो हैं इस वक्त, एनजीओ जो हैं वो पूरे मुल्क में, एनजीओ जो काम कर रहे हैं हमारे, जो जहाँ जहाँ भी इंडिविजुअल भी काम कर रहे हैं, और जो अब यानी मैं राब्तों में हूँ और राब्ते अनकरीब मेरे जो उनसे तकरीबन सबसे बहाल हो जाएंगे, जो जो इस वक्त
हमारे जो यानी जो मजबूर लोग हैं उसमें ये नहीं कि खाली क्रिश्चियन हैं, उसमें जो भी मेजॉरिटी के भी जो लोग हैं जो रबते जिनके नहीं हो सकते, वो मेरा नंबर जो है वो नीचे होगा, मैं उनसे बराह रास्त मुझे कॉल करेंगे, मैं बराह रास्त उनके नंबर जो है वो उन यानी अखुवत वालों के डॉक्टर साहब को मतलब बराह रास्त दे दूंगा, यानी अपना अब्दुल मोहम्मद अब्दुल शकूर साहब को खिदमत वाले, फिर सैलानी वालों को भी बारे में आप बिल्कुल जो इस किस्म का कोई तासब, मेरा ख्याल है कि खुदावंद ने चाहा तो और भी तंजीमें हैं, बहुत सारी एनजीओज हैं जो यानी प्रैक्टिकली काम कर रही हैं और वो मजहब से बालादार करेंगी, और आपको पता है क्योंकि उन्हें मेरी सारी खिदमात का पता, उन्हें पता कि मैंने सारी जिंदगी यानी क्रिश्चियन मुस्लिम सॉलिडारिटी पर काम किया, और यही वजह कि आज हमारी जो यानी काफ़ी हद तक हमारी जो आवाज़ है ये हमारे मुस्लिम कम्युनिटी के जो हमारे आलमे दीन हैं, उलमा हैं, हमारे एंकर हैं, हमारे जर्नलिस्ट हैं, हमारे टीचर हैं, हमारे प्रोफेसर हैं, हमारे डॉक्टर हैं, हमारी खिदमात में हमारे डॉक्टर हैं, हमारी नर्सेज बहुत बड़े लेवल पर खिदमत कर रही हैं, हमारे यानी सेंट्री वर्कर्स जो हैं वो बड़ी तादाद में यहाँ पर खिदमत कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि हम सब मिलकर ये जो अगर पाकिस्तान की बात नहीं है, बैन अवी इस वक्त जो है यानी अमेरिका में, कैनेडा में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, हर जगह दुनिया इसी हालात में है, इसलिए घबराने की जो बात करते हैं ना कि घबराना नहीं है बल्कि मैं समझता हूँ कि खुदा के आगे इल्तजा भी करनी है, दुआ भी करनी है, और उसके साथ साथ हमें अपनी एहतियात के भी का दामन भी नहीं छोड़ना, और हम एहतियात के साथ सब्र का जो पैमाना जो है वो उसे भी मतलब अपने अपने हाथ में रखना कि वो इस लेवल पे ना हो कि कोई तासब की कोई हवा इस वक्त फैल जाए। तो मैं समझता हूँ कि तासब को हमें यानी ख़त्म करना है, तो हम इसीलिए बराह रास्त उनके नंबर जो है मैं कल जो है मैं उनके सबके बराह रास्त नंबर जो है मैं अपनी फेसबुक जो है वो मेरी फेसबुक जूलियस सालक के नाम से है, तो उस पर हम फेसबुक भी बल्कि फेस का एक पेज बनाते हैं, क्योंकि फेसबुक में कुछ यानी कमी की वजह से मैं डेवर जो है वो इस सिलसिले में बराह रास्त जो है वो आपसे कल कोई नंबर देंगे कल आपको जी। तो इस वक्त किसी एक तंजीम के किसी एक छोटे अमले की वजह से या किसी एक इंडिविजुअल की वजह से हम ये चीज़ को ना फैलाएं, क्योंकि इस वक्त वो लोग भी और वो भी दहशतगर्द लोग हैं जो कि इसको ज़्यादा फैलाएंगे कि जी मुस्लिम मसीह इतिहाद में वो दरारें डालें या हिंदुओं को नहीं मिल रहा। देखें ये हर जगह होता है और छोटे लेवल पे होता है, और उसको इतनी हवा देंगे हम तो हम रहते भी उसी कंट्री में हैं, हमारे काम भी उन्होंने ही करने हैं, हमारी तंजीमें भी वही उन्हीं के पास इस वक्त जो तंजीमें हैं वही कर रही है और बिला तफरीक किसी मजहब के पुजारी हैं। और अगर हमारी तंजीमें भी हैं तो वो भी मिलके वो भी मुस्लिम्स को भी दे रही होंगी डेफिनेटली। अगर जी तो ऐसे चर्चेस भी हैं जो कि मुस्लिम्स को अपने इलाके में दे रहे हैं जी डेफिनेटली, मतलब है कि ये मतलब मिलजुल के है, सिखों ने भी अभी पूरा उन्होंने सैनिटाइजर सबको दिया है, तो ये सब मिलजुल करेंगे। तो ये मैं समझता हूँ कि इसको हम सॉलिडारिटी को, क्योंकि इस वक्त हमें मिलके यानी सॉलिडारिटी की तरफ आना है और सॉलिडारिटी को बरकरार भी रखना है, क्योंकि ये इस वक्त में हम कोई अफोर्ड नहीं कर सकते इस वक्त, तो यानी हमें जो भी अगर इस वक्त में कोई ऐसी खबर है तो मतलब उसे मुतात अंदाज में आप यानी लोगों को बता के तो उसे मतलब है कि यानी कई जगह पर जब मैंने आगाज किया था जिंदगी में तो ये कई होटलों पर लिखा होता था गैर मुस्लिमों का खाना मना है, और मैं उस वक्त फेडरलिस्ट होते हुए मैं अपने झंडे को उतार के पर्सनली सब कुछ हमला छोड़ के मैं उसके पास जाया करता था, और मैं जाके और उनसे रिक्वेस्ट करता था, तो काफ़ी हद तक यदि हमामों में लिखा होता था गैर मुस्लिमों का नहाना मना है, तो मैंने ज़ाती तौर पर असल तो मैं इसी यानी ये तासब की वजह से मैं यानी इनकसारी और ये को ही लेकर निकला था, और खुदा का शुक्र है कि यानी काफ़ी हद तक ये यानी काफ़ी हद तक जो तासब है हमारे मुल्क में खुदा का शुक्र है अब वो नहीं है जो इससे आज से कुछ 40 साल पहले हुआ करता था। तो आज होटलों पर ये नहीं लिखा होता कि यानी ये कराची के लोग जानते हैं, कश्मीर कॉलोनी के होटल में लिखा होता था, भाई फेरू के लोग जानते हैं कि हम वहाँ पर हजामत जो है वो यानी उठा दिया गया था एक पास्टर साहब को कि आपकी हजामत आधी छोड़ दी थी, क्रिसमस का 24 की रात थी। तो ये बहुत सारे वाक्यात है इस तरह के वाक्यात, अब जो खुदा का शुक्र है कि अगर कहीं इक्का दुक्का वाक्य अगर है तो कोशिश कीजिए कि उसे प्यार से मोहब्बत से यानी उसे एजुकेट करने की ज़रूरत है, और यानी एंकर तो ऑलरेडी हमारी खिदमत को जो है ये सॉलिडारिटी को बड़ा प्रमोट कर रहे हैं। मैं एंकरों से गुजारिश करूंगा कि इस सॉलिडारिटी को इस वक्त प्रमोट करें और कर रहे हैं,
खुदा का शुक्र है। बारह खुदावंद इस अजाब से हमें अजाब भी है इस आजमाइश भी है, खुदावंद हमें यानी इससे निकाल जी। तो इस वक्त बहुत यहाँ पे अमेरिका में भी जब भी मैं कोई पोस्ट डालता हूँ अपने फेसबुक पे कि जी इस इलाके पे किसी को हेल्प जरूरत है, बहुत ही लोग, और उसमें से मैं ये कहूँगा कि 99% मुस्लिम्स जो मेरे फेसबुक पे फ्रेंड्स हैं वो एकदम उस पर आते हैं, डेविड कहाँ पे हेल्प चाहिए, हम पहुँचाते हैं। तो इस तरीके से हम जो कोशिश कर रहे हैं वो मुस्लिम क्रिश्चियन सॉलिडरिटी के ऊपर काम कर रहे हैं। सालिक साहब तो ऑलरेडी कर ही रहे थे और मैं भी उसी पे काम कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि वही जो है इस वक्त हमें तासुब नहीं पिलाना। तो मेन ये है कि हम यहाँ पे बैठ के भी, अमेरिका में बैठ के भी, मैं वो नंबर निकाल रहा हूँ यहाँ के अमेरिकन लोगों के लिए भी निकाल रहा हूँ, अपनी फेसबुक पे अक्सर शेयर करते रहता हूँ कि अपने अपने इलाकों के जहाँ जहाँ आपको अपनी दुनिया में, इलाकों में, शहरों में, अमेरिका में, पाकिस्तान में, अपनी अपनी कंट्रीज में, जहाँ जहाँ आपको ऐसी मालूमात मिलती है कि यहाँ पे कोई राशन तकसीम हो रहा है, यहाँ पे कोई हेल्प हो रही है, या कोई जहाँ पर कोई ऐसा तासब है, तो आप हमें खामोशी से बताएं ताकि उस तासब को, हाँ जी, हम उनके उनके जो उनका बॉस होगा, उनका ऑनर होगा, उनका ऑर्गेनाइजर जो है, क्योंकि छोटी सतह पर जो उनके यानी ऑफिसर होते हैं उनमें हो सकता है कि वो इलाकाई लेवल के किसी गाँव के हों, कोई ऐसे तासब वाले इलाके के हों, तो उन पर पूरी तंजीम को यदि जो ये हम उस पर कसूरवार नहीं कह सकते। तो मेरा कहने का ये आपको रिक्वेस्ट है कि अपने अपने शेयर करें, अपने अपने इलाकों में जहां जहां लोगों के लिए हेल्प हो रही है, जो जो कर रहे हैं उसको शेयर करें, अपने फेसबुक पे शेयर करें, अपने लोगों को फोन करके बताएं कि यहां पे हेल्प मिल रही है, ताकि लोग इस पे फायदा उठा सकें। बल्कि बहुत सारे जो हमारे जो मगरिब के वर्कर हैं, माइनॉरिटी के लोग जो हैं, वो मेजॉरिटी में भी चीजें तकसीम कर रहे हैं, जो मेजॉरिटी माइनॉरिटी सब एक दूसरे कर रहे हैं। इक्का दुक्का वाकयात, इक्का दुक्का वाकयात जो हो रहे हैं उसको हम हाईलाइट ना करें और कोशिश करें जो कि हम जितना कर सकते हैं हम करें। हाँ नहीं ठीक है, मतलब है कि हम तो एडवाइस कर सकते हैं, बाकी जो करने वाले हैं जी वो करते रहें। अच्छा तो दूसरी मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हम कोई फंड रेजिंग नहीं कर रहे इस चीज के लिए। अगर कोई हमारे नाम के भी कहे कि जी सालिक साहब फंड रेजिंग कर रहे हैं और हमें देंगे, तो उस पे ना जाए, हम लोगों से ही लोगों की हेल्प, लोगों के जरिए जहां जहां पे तंजीमें काम कर रही है, हम उनके जरिए ही आप लोगों की हेल्प करवाएंगे। और यानी मैं फिर मैं अब्दुल यानी अपना शकूर साहब की जो बात जो उन्होंने इंटरव्यू में कही थी कि इस वक्त जो एनजीओज हैं जो काम कर रही हैं, हुकूमत उन्हीं को अगर अपने साथ शामिल करती, क्योंकि उनके पास हजारों और लाखों की तादाद में उनके पास वर्कर मौजूद हैं, तो ये उनकी मैं उनकी यानी उस तजवीज़ को यानी क्योंकि मैंने भी वो तजवीज़ जो दी थी, मैंने दो दिन पहले जो दी थी, उसके बाद उन्होंने भी अपना अब्दुलशकूर साहब ने ये भी कहा था कि लाखों टीचर हमारे पास मौजूद है, बजाय इसके हम कोई नई तंजीमों की तरफ करें जो ऑलरेडी जो प्रैक्टिकली जो काम कर रही हैं एनजीओज हकूमत वाले जो हैं, जैसे डॉक्टर अमजद साहब हैं और बहुत सारी यानी मैं अभी बहुत सारी लिस्ट जो है वो मैं अपना आपको कल या परसों मैं आपको नई वीडियो में डालूंगा, उनके उस पर नंबर वगैरह भी डालूंगा। तो ज़रूरी है कि हम उनकी खिदमात को फौरी तौर पर जो है उसे अपने काम में लाएं, और अगर हो सकता है तो हमारे काउंसलर को भी, हमारे ही काउंसलर हैं वो, चाहे वो इलेक्टेड काउंसलर हैं, जब आप इलेक्टेड हुकूमतों की बात करते हैं तो काउंसलर अगर उनको बहाल करके उन पर भी काम हो सकता है, वो बेशक वो किसी भी पार्टी के हों, इसमें उसमें हमारे माइनॉरिटी के भी बहुत सारे काउंसलर जो हैं, उसमें तमाम मकासिब फिक्र के लोग जो हैं, लेबर काउंसलर हैं, बहुत सारे काउंसलर हैं, यूनियन काउंसलर लेवल पे हैं, ये भी बहुत बड़ी एक ऑर्गेनाइजेशन बनी बनाई है, उन्हें इस्तेमाल में लाया जा सकता है। लेकिन क्योंकि अभी वक्त की कमी है, हम एक दो रोज में आपको नंबर भेजेंगे, बल्कि मेरा नंबर जो है वो तो डायरेक्ट है, आप कोई भी बात करना चाहें आप मुझे डायरेक्टली, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं, मैं आपकी आवाज़ जो है वो मुतलका तक पहुंचाएंगे जी। तो जितना हमसे हो सकेगा, हम जहाँ जहाँ हमें रबते मिलेंगे, हमें ऐसी ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेशन मिलेंगी जो कि ऑलरेडी हेल्प कर रही हैं, तो हम उनसे कॉन्टैक्ट करके वो नंबर्स आपके साथ शेयर भी करते रहेंगे, क्योंकि ये चलता रहेगा। मुझे नहीं पता कि खुदा करे कि हम इस मुसीबत से जल्दी हमारी जान छुटे, वो इसके लिए हमें दुआएं की बहुत ज़रूरत है। और सालिक साहब ने पिछली वीडियो में भी कहा था कि हमें कंट्री लेवल पे जिस तरह से अमेरिका में हमारे प्रेसिडेंट ने यहाँ पे अमेरिका में मिस्टर ट्रंप ने कंट्री लेवल पे एक दिन रखा था दुआ के लिए सर। और मैंने जो तजवीज़ किया था, मेरा तो उस वक्त था कि एक दिन के लिए परचम का सर नबूक किया जाए। मैं समझता हूँ जब तक हमें इस मुसीबत से यानी इस आजमाइश से नहीं निकल जाते, हमारा परचम जो है वो यानी खुदा के हुजूर सर नगूम रहना चाहिए, कि उस वक्त हम अपनी इनकसारी आजजी और यानी हम अपने परवरदिगार की तरफ यानी अपने अपने मकातबे फिक्र के दुआओं के जरिए
हम अपनी कंट्री को यानी सेव करने के लिए हम अपने परवरदिगार से भी करें, अपनी जितनी बाकी जो ज्योतियातें हैं वो भी इस्तेमाल करें, जो ज्योतियात गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से आ रही है उन पर हदायतों पर अमल भी करें, और फिर मैं सलाम करता हूँ उनको मेडिकल पैरामेडिकल के स्टाफ को। उसमें पैरामेडिकल के स्टाफ में बेशक अभी तक गवर्नमेंट ने सेंट्री वर्कर्स को पैरामेडिकल स्टाफ में नहीं यानी शामिल किया, लेकिन तमाम हम पैरामेडिकल के स्टाफ विद सेंट्री वर्कर्स को सलाम पेश करते हैं। आमीन जी। तो थैंक यू सो मच, और हम कोशिश करते रहेंगे, यहाँ पे हम बैठे नहीं हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों तक जहाँ जहाँ आप लोगों की नंबर्स पहुँचा सकें, आपको उन इदारों का, उन इलाकों का, उन जगहों की चीज़ें पहुँचा सकें। और मैं नंबर सालिक साहब का नंबर जो है वो नीचे भी इसमें डाल दूंगा, आप व्हाट्सएप पे सालिक साहब को भी रब्ता कर सकते हैं, और मेरा फेसबुक डेविड सालिक है उस पर भी रब्ता कर सकते हैं, और इनका जूलियस सालिक के नाम से। तो आप सबको खुदावंद अपनी पनाह में रखे, और अपनी दुआओं में याद रखें। शुक्रिया, थैंक यू सो मच।